हेडिंग क्या लिखवाए थे कल? धावन सोडा के उपयोग। पहला नंबर लिखो, उपयोग में पहला नंबर। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हो गया। दूसरा नंबर, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, तो बाइकार्बोनेट में लिखा है ना, आग बुझाने वाले यंत्रों में हो गया। फिर अगला नंबर, धातु कार्बोनेटों के निर्माण में, धातु कार्बोनेटों के निर्माण में, धातु कार्बोनेटों के निर्माण में हो गया। अगला नंबर, कपड़ों की धुलाई के लिए अपमार्जक के निर्माण में, कपड़ों की धुलाई के लिए अपमार्जक के निर्माण में कपड़ों की धुलाई के लिए अपमार्जक के निर्माण में हो गया। अगला नंबर, बेकिंग सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में हो गया। बस लास्ट हेडिंग लिख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, नाम तो सुने ही होगे। आधे लोग के घर में तो पीओपी जरूर लगा होगा, लगा होगा नहीं लगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका हिंदी इंग्लिश नाम दोनों एक ही हो गया। इसका सूत्र चाहो तो लिख लो, कोष्ठक में ही आगे CaSO4 इंटू हाफ एच टू ओ, मतलब एक बट्टे दो। हो गया ना, नीचे लिखो निर्माण की विधि, निर्माण की विधि, हो गया। कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O हो गया। सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है ना, अगर सीमेंट में जिप्सम न मिलता तो सीमेंट इतनी तेजी से जम जाता
कि उसका हम लोग प्रयोग ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए सीमेंट को साधारण तरीके से प्रयोग करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम क्या करता है, उसके कठोर होने की दर को धीरे कर देता है, अर्थात सीमेंट देर से कठोर होगा। कठोर होने की दर को धीमा करने का मतलब जितना तेजी से वो कठोर हो रहा था उसको धीरे कर देगा। तो वेग कम हो गया तो देरी में कठोर होगा ना वो, ये काम करता है जिप्सम। अब इसमें से जब जल की मात्रा कम कर दी जाती है तो हमको पीओपी मिलता है, और पीओपी तुमने देखा होगा काफी तेज सूखता है। जो घरों में डिजाइन बनाई जाती है दीवार पे, वो किससे बनाते हैं, पीओपी से ही बनाते हैं। छत पे देखो डिजाइन बनी होती है, कहीं चले जाओ घर में तो फूल बनी होती है, मछली बनी होती है, वो सब पीओपी से ही बनता है। क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का सांचा होता है, मतलब जो सांचा जिस प्रकार का बनाना होता है, मछली बनानी है तो मछली के प्रकार का सांचा होता है, उसमें उसको भर देते हैं, तुरंत सूख जाता है, लगा देते हैं चिपक जाता है, ठीक है। उसको और किसी पदार्थ के माध्यम से चिपकाते हैं, क्योंकि वो सूखने को तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, फिर चिपकाने के लिए किसी दूसरे पदार्थ का प्रयोग करके उसको चिपका देते हैं, ठीक है। तो जल की मात्रा निकालने के कारण इसका जो होता है सूखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो हम इसमें लिखेंगे निर्माण की विधि में, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर निर्जलीकरण के द्वारा यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, हो गया, जिसे हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। अभी कल हमने देखा था धावन सोडा को जब हम गर्म किए थे तो उसका 9 अणु जल निकल गया था, 1 अणु बचा था ना, तो 1 को हमने क्या कहा था, मोनो कहा था, यहाँ पे हाफ H2O, इसको हेमी कहेंगे, HEMI, हेमी हाइड्रेटर। फिर कैल्शियम सल्फेट या कहें तो पीओपी, अभिक्रिया लिख सकते हो, आधा H2O इसमें बचता है, बाकी 3/2 H2O बाहर निकल जाता है। अगर अभिक्रिया को और सही तरीके से लिखना चाहते हो तो यहाँ से 2 का गुणा कर दो, यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, 2/2 गायब कर दो, केवल क्या बच जाएगा, 3 H2O, ठीक है ना। इस तरह से भी नोट कर सकते हो इसको, नहीं तो अगर 2 में ही नोट करना चाहते हो तो यहाँ भी 2 गायब कर दो, यहाँ भी 2 गायब कर दो, यहाँ पे 2 ले आ दो, ठीक, अंदर वाला नहीं गायब होगा, ध्यान देना। CaSO4 × 2H2O, तीर लगाएंगे 120 डिग्री सेल्सियस, तीर के बाद 2 CaSO4 × ½H2O, मतलब 1/2 H2O प्लस कितना, 3H2O, हो गया ना। ये इसका रिएक्शन है, इससे इसको बनाया जाता है, ये जिप्सम है, इसको याद रखते रहना। अगर इसका नाम दें तो क्या देंगे जी हम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, साथ में उससे क्या जुड़ा हुआ है, 2H2O जुड़ा हुआ है, 2 को हम क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, डाई हाइड्रेट कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट, जैसे इसका हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है क्योंकि एक बट्टे दो के लिए हेमी लगाया गया, दो के लिए हम डाई लगाते हैं, तो डाई हाइड्रेट उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। हो गया। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट। इसका उपयोग, इसका उपयोग हो गया टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हो गया प्लास्टर चढ़ाने में होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में होता है, प्लास्टर चढ़ाने में होता है हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दीवारों को चिकना बनाने, इसका प्रयोग दीवारों को चिकना बनाने हो गया, दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर, तथा उन पर अलंकरण करने में होता है, अलंकरण या चित्रण भी लिख सकते हो अलंकरण करने में होता है हो गया। अगला नंबर इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सजावटी सामान, सजावटी सामान कौमा मूर्तियां, सजावटी सामान कौमा मूर्तियां तथा खिलौने, तथा खिलौने का भी बनाने में होता है, क्या मूर्तियां तो वो जमीन में निकलती हैं। अरे मूर्ति बोले मोती नहीं बोले गले, मूर्ति बोले मूर्ति मोती कह दिया हो गया। बनाने में किया जाता है बस, और क्रिस्टलन जल तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़े ना, क्या पढ़े थे इसको, लवण के प्रकार में पड़े थे ना, जलयोजित लवण या क्रिस्टली लवण, जब किसी लवण के साथ जल के अणु जुड़ जाते हैं तब उन्हें क्या प्राप्त होता है, जलयोजित लवण प्राप्त होता है, और उस लवण के साथ
जुड़े हुए जल को हम क्या कहते हैं, विस्तरण जल कहते हैं या तो जल योजित जल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो बस चैप्टर समाप्त हो गया है, कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए इस पे। एक हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो। अभी देखो जब हम पीएच मान पढ़ रहे थे, पीएच मान, तो पीएच मान में विलयनों पीएच प्लस आयन सांद्रता से चाहे ओएस माइनस आयन सांद्रता से हमने पीएच मान निकालना सीखा है। ठीक है, देखिए अगर सवाल में विलयन का पीएच मान दे कि एच प्लस आयन की सांद्रता पूछ लिया तब क्या करेंगे। सवाल में विलयन का पीएच मान दे दिया और फिर एच प्लस आयन की सांद्रता पूछ दिया तब क्या करेंगे। जैसे कह दिया कि पीएच मान तुम्हारा 8 है तो उसका एच प्लस आयन की सांद्रता कितनी है। लॉग बेस तरफ नहीं आएगा, लॉग दूसरे पक्ष में जाके एंटी लॉग बनता है। देखो लॉग में नियम क्या लगता है एक चीज समझ लो इसको, वहां पे समझाया नहीं थे, बोले थे समझाने के लिए लेकिन इसको समझाया नहीं। हमने कहा था लॉग बेस 10 10 का मान क्या होता है, एक होता है ना। यहाँ पे एक चीज और देखो, लॉग बेस 10 का, ये लॉग बेस 10 100 का मान 2 होता है, लॉग बेस 10 1000 का मान 3 होता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं क्या, ये 1 कैसे आया, 2 कैसे आया, 3 कैसे आया। चाहे तुमको यहाँ पे मिला था लॉग बेस 10 2 का मान क्या मिला था, 0.3010 मिला था ना। लॉग बेस 10 3 का मान क्या मिला था, 4771। ये चीजें हमको मिली थी, तो ये सब मान मिले कहाँ से हमको, ये सारी चीजें है क्या, ये सब घात है, पावर है। जैसे पढ़ते हो ना 10 की घात 1 बराबर 10, पढ़ते हो 10 की घात 2 बराबर 100, 10 की घात 3 बराबर 1000। अब इनको सबको इसमें लेके चले जाओ, पता बता दो क्या क्या कौन कौन है। देखो ये तुम्हारा घात है ना, ठीक है, और ये परिमाण है अर्थात जो हमारी संख्या है, और ये आधार था जिसमें हमने घात लगाया था अर्थात बेस। बेस तो सबका कितना है, बेस सबका कितना है, 10 ही तो है, क्योंकि यहाँ पे बेस हमने सबका 10 लिखा है, दिखाई दिया है। और एक बारी 10 की घात हमने कितना लगाया, 1 लगाया, तो कितना आया, 10 आया। तो अर्थात 10 कब आया, जब 10 की घात 1 लगाए, लगाए ना। 100 कब आएगा, जब 10 की घात 2 लगाएंगे। 1000 कब आएगा, जब 10 की घात 3 लगाएंगे। दिखाई दे रहा है ना। इसी प्रकार अगर तुमको आगे निकालना है, 10000 का निकालना चाहते हो लॉग, कितना आएगा, 10 की घात 4 अर्थात कितना उसका मान आएगा, 4। इसी प्रकार हम यहाँ भी तो कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है, 10 की घात कितना लगाए कि उसका मान 2 आ जाए, 0.3010 लगेगा, क्योंकि ये बाद वाला मान क्या है, घात है ना। इसी प्रकार 10 की घात कितना लगाए, 4771 लगाए, तो उसका मान क्या आ जाएगा, 3 आएगा। दिखाई दे रहा है, तो बस हम अपने सूत्र को इसी रूप में बदलेंगे। ठीक है, आधार घात और परिमाण के रूप में, आधार घात और परिमाण, आधार हो गया बेस,
घात हो गया पावर, और परिमाण किस माने होता है? परिमाण किस माने होता है? नहीं पता, छोड़ जाए, आगे बढ़ो, याद कर लेना, बताना हमको। तो अब यहां से एक फॉर्मूला हम निकालते हैं। देखो कॉपी के सबसे ऊपर इसको लिख लो, तब हेडिंग पे आते हैं। अब तुमको समझ में आ गया होगा, हमने ये लिखा था लॉग नीचे 10, यहाँ पे 100 और बराबर क्या 1। तो अगर लॉग लिखे तो नीचे, हाँ दो लॉग नीचे अगर लगाए हम 10, ये 10 लगाए ना, तो ये 10 क्या था? बेस था ना, बोलते भी हैं लॉग बेस 10, बोलते हैं ना। इसका मतलब लॉग में जो नीचे लिखा जाता है वो आधार या बेस होता है, होता है। और यहाँ बराबर तुमको क्या मिला था? ये क्या है? घात है अर्थात पावर है, और यहाँ जो ऊपर लगा रहता है ये परिमाण होती है अर्थात संख्या होती है, जो हमारे पास संख्या रहेगी। ठीक, तो अब क्या देखा तुमने? लॉग पे जो नीचे लगा आधार, जो यहाँ उसके सामने लगा वो परिमाण, बराबर जो लगा वो घात। तो इसलिए जब हम आधार के ऊपर घात लगाएंगे, जैसे हम 10 की घात 2 लगाएंगे, तभी तो हमको 100 मिलेगा, मिलेगा ना। तो 10 क्या हो गया इसमें? आधार हो गया, और 100 क्या हो गया? परिमाण, और 2 क्या हो गया? घात। तो देखो 10 नीचे है आधार, 2 इसके ऊपर लगा अर्थात आधार के ऊपर घात, और बराबर क्या मिला हमें? 100, अर्थात 100 क्या है? परिमाण। तो यहाँ से ये हमारा सूत्र बन जाता है, इसी सूत्र से हम H प्लस आयन की सांद्रता निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो नोट करो इसको, पहले ये इंडिकेट करके कॉपी के सबसे ऊपर, लॉग में जो नीचे लिखते हैं आधार, जो सामने लिखते हैं परिमाण, बराबर होता है घात। अब यहाँ पे आधार के ऊपर घात लगता है, तब हमको क्या मिलता है? परिमाण मिलता है, ठीक है। यहाँ से हम H प्लस आयन की सांद्रता निकाल लेंगे, अगर किसी का पीएच देके H प्लस आयन की सांद्रता पूछ लिया तब। पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया, क्या पढ़ाएंगे? आप कुछ खत्म किया होता थोड़ा बहुत, तब पूरा पढ़ाना पड़ता। चलो देखो, हाँ पेपर होगा, जितने लोग बच्चे रहेंगे उतने लोग का पेपर होगा। चलो देखो, स्कूल खुलने की भी कोई संभावना नहीं है, तुम लोग के पापा बताएंगे स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा। अब तुम लोग के पापा बताएंगे स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हेडिंग लिखो, अभी सोचते रहो, बताएंगे। हेडिंग लिखो तब तक, किसी विलयन के पीएच मान से, किसी विलयन के पीएच मान से विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करना, किसी विलयन के पीएच मान से विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करना, हो गया। किसी विलयन के पीएच मान से विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करना। अब एच प्लस आयन की सांद्रता हमको ज्ञात करना है, इसका मतलब उसका कोई सूत्र हमारे पास हो जाए तो अच्छा रहे, ठीक है। बस वही सूत्र हम बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं तो एक ध्यान से देख लो, क्योंकि हम जानते हैं तुम लोग तो जानते नहीं हो, जानते हो ना, बताओ क्या जानते हो, बताओ। पीएच बराबर, अब जानते होगे, माइनस लॉग बेस 10 और बड़े कोष्ठक में एच प्लस, या कहें तो इसको माइनस है तो माइनस से इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब समझ चुके होगे, सूत्र तो हमारा बन गया जो ऊपर लिखवाए, इसलिए तो लिखवाए उसको। लॉग हुआ, नीचे आधार हुआ, ये क्या हुआ? परिमाण हुआ, और बराबर क्या हुआ? घात हुआ। तो
नियम तो जानते ही हो, आधार के ऊपर लगती है घात तो मिलता है परिमाण, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आधार कौन है यहाँ पे 10, घात कौन है माइनस सी एच, और बराबर परिमाण कौन है एच प्लस, बड़े कोष्ठक में एच प्लस, एच प्लस का मतलब उसकी सांद्रता ही है, तो इसलिए एच प्लस की सांद्रता बड़े कोष्ठक में एच प्लस बराबर 10 की घात कितना माइनस सी एच, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हाँ, लॉग पक्षांतर हुआ है, पूरा पद पक्षांतर हुआ है, लॉग की चर्चा कर रहे थे तुम, लॉग नहीं पक्षांतर होता, पूरा पद पक्षांतर हुआ है, लॉग नहीं पक्षांतर किए हम, पद पक्षांतर किए, ध्यान देना। लॉग अगर पक्षांतर होता तो इधर आके एंटी लॉग बन जाता, ए एन टी आई एन ओ जी। अभी जब लॉगरिथम वाली सारणी देखोगे, जहां कहीं किताब में तुमको मिल जाएगी, वही एक पेज के बाद लिखा होता है प्रति लघु गणक सारणी अर्थात एंटी लॉगरिथम टेबल, समझ गए। तो लॉग जब दूसरे पक्ष में जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है, सुनो। हाँ, दोनों का अलग अलग सारणी होती है, नोट कर लो इसको। खत्म हो गया, आधार घात परिमाण में बदल गया, लॉग खत्म। अभी देखो ऊपर का सूत्र क्या लिखवाए थे, लॉग लगा था, बेस 10 लगा था, उसके बाद जो तुम्हारा ये 100 था उसका मान कितना मिला था 2, अर्थात हमने उसको लिखा 10 की घात 2 बराबर 100, तो उसमें लॉग खत्म हो गया ना। अर्थात जब तुम इसको आधार घात परिमाण के रूप में बदल दोगे तो लॉग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं, लॉग कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लॉग एक क्या है, प्रतीक है, जो किसी भी परिमाण का घात निकालने के लिए प्रयोग की जाती है, किसी भी परिमाण का घात निकालने के लिए प्रयोग की जाती है जो किसी निश्चित आधार पर लगाने से प्राप्त होता हो। जैसे हम कहें कि ये लॉग बेस 10 100 का मान 2 है, ठीक है, तो हम कहें कि यहाँ पे लॉग एक ऐसा प्रतीक है जो कि 100 प्राप्त करने के लिए 10 पर लगाई गई घात को बताता है। लॉग एक प्रतीक है जो कि 100 प्राप्त करने के लिए 10 पर लगाई गई घात को बताता है, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे कोई मान नहीं है कि मतलब कोई रहेगा वो खत्म नहीं होगा, लॉग एक प्रतीक है बस, जो कि पावर पता करने के लिए इसका लगाते हैं। संख्या में और उसके घात में संबंध बताने के लिए ही लॉगरिथम का विकास हुआ, संख्या में और उसके घात में क्या संबंध है, अब क्वेश्चन लिखो इस पर आधारित। निम्नलिखित विलयनों में, निम्नलिखित विलयनों में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित विलयनों में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, हो गया, जिनका पीएच मान, जिनका पीएच मान, जिनका पीएच मान हो गया निम्नलिखित है, जिनका पीएच मान निम्नलिखित है, जिनका पीएच मान निम्नलिखित है, पहला नंबर, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 7, तीसरा नंबर 12, दो, 7 और 12, इन विलयनों की प्रकृति बता दो तो फटाफट।
पहला पैसा होगा डबल अम्बी, दूसरा, तीसरा, ठीक। चलो तो लिखेंगे, पहले सवाल पे आ जाओ। पहला नंबर लिखो, चूंकि दिया है विलयन का पीएच बराबर 2 हो गया, इसलिए एच प्लस आयन की क्या निकालना है, सांद्रता, बड़े कोष्ठक में एच प्लस बराबर कितना जी, 10^-pH, तो 10^-pH की जगह 2, और सामने मात्रा क्या लिखोगे जी, मोल प्रति लीटर, बताया थे ना इसको, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अला छापो जल्दी से, छाप लिए, ओके सर, सही कर सकते, जो हम बोलते हैं ना छापते रहो, ठीक है, तो जिसे बोलते छाप लिया करो उसको। हो गया, चलो देखो, दूसरा नंबर पीएच बराबर 7, इसलिए एच प्लस आयन की सांद्रता 10^-pH, अर्थात 10^ कितना, -7 शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गया। दूसरा नोट कर लो, इसी प्रकार तीसरा भी नोट कर लेना, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाला तो तुमसे पूछेगा नहीं, सिंपल वाला ही पूछेगा। तीसरा लगा लेना, इसके बाद टीचन करना क्या, 12 साफ की जगह 12 लिखना बस, हो गया। एक सवाल लिखो, रुक जाए, रुक गए, साफ लिए थे ना, चलो देखो, चलो करते रहना उसको, जगह छोड़ दो, कर लेना उसको, समझ ही गए हो। तो क्वेश्चन लिखो, एक विलयन जिसका पीओएच मान, एक विलयन जिसका पीओएच मान हो गया 8 है, तो विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करो, अच्छी बार क्या होगा, पहले हमको एक सूत्र याद रखना होगा पीछे वाला, सबसे पहले तो लिखोगे क्योंकि दिया है POH बराबर जी 8, अब क्योंकि तुम जानते हो PH प्लस POH बराबर 14, ध्यान देना, नहीं तो पता चला कि ज्यादा जोश में रहो, POH का मान 8 दिया है, इसलिए H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10^-pH = 10^-8 मोल पर लीटर रख के चले जाओ। ध्यान दे रहे हैं आप, इस बार पीएच नहीं, क्या दिया गया है, पीओएच दिया गया है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और सूत्र पे ध्यान देना होगा, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, तो पीएच प्लस पीओएच का मान
आठ बराबर चौदह, चौदह माइनस आठ, पीएच की वैल्यू छह आ गई, हो गया ना, पीएच आया छह। अब क्या होगा, इसमें रखेंगे। हाँ, इसलिए H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच, H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस पीएच अर्थात 10 की घात माइनस 6 मोल पर लीटर। नोट कर लो, हो गया इस तरह से चैप्टर समाप्त। आज अपनी किताब से तुम लोग क्वेश्चन खोज के लाना, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कल बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है। किताब में आगे क्वेश्चन दिए गए होंगे ना, हेडिंग के बीच में कहीं हेडिंग से ही तुमको क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन निकाल कर आना, कल उसको बता दिया जाएगा।